हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में, मैं आपके साथ कोमल। राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो हैरान करने वाला है। सिद्दीकी ने अपने बच्चों को सलाह दी है कि वे विदेश में ही रहें, वहीं नौकरी करें और वहीं बस जाएं। एक कार्यक्रम में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि देश में ऐसा माहौल है ही नहीं कि बच्चे झेल पाएंगे। सिद्दीकी के इस बयान पर अब बवाल तो तय है, क्योंकि आमिर खान ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिसके बाद बवाल हुआ था। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अब भारत में रहने का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ के मौजूदा माहौल में रह पाएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को विदेश में नौकरी करने की सलाह दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि विदेश में ही नागरिकता ले ले। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया। गौरतलब है कि सिद्दीकी की बेटी खुशबू सिद्दीकी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। वहीं सिद्दीकी के बेटे अनीस बारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पर बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र तो इतने भड़क गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि आरजेडी के कद्दावर नेता, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस देश ने सिद्दीकी जैसे नेताओं को इतना महत्व दिया, मंत्री बनाया, उसे ही वे कोस रहे हैं। राजद का कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी, तो मंत्री भी रहा करते थे और अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, लेकिन देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बच्चे बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेकर चलने का मन में ठाना है, वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं, इनका मैं घोर निंदा करता हूँ। हालांकि आपको बताएं कि भारत में डर लगने वाली बात पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इस बात को बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी तत्कालीन पत्नी किरण राव को भारत में डर लगता है। हालांकि बाद में आमिर खान और किरण राव का तलाक हो गया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइडर लाइव।